पिछले 5 दिनों से टूल डाउन स्ट्राइक पर बैठे एचआरटीसी पीसमील वर्कर्स में सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। जसूर स्थित वर्कशॉप में हड़ताल पर बैठे कर्मचारी अपनी नियुक्ति को लेकर अनुबंध की मांग कर रहे हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए यूनियन के सदस्य धीरज पठानिया ने बताया कि पिछले 5 दिनों से पीसमील कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि जेसीसी बैठक में भी इनके बारे में कोई घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर एचआरटीसी के सभी कर्मचारियों ने समर्थन दिया है और मांगों को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इनकी मांगों पर गौर नहीं करती तो इनका आंदोलन और उग्र हो जाएगा। पठानिया ने कहा कि अगर सरकार जल्द इन्हें अनुबंध के दायरे में नहीं लाती तो प्रदेश कार्यसमिति के साथ मिलकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जैसा कि आपको पता ही है कि आज 5वां दिन है टूल डाउन स्ट्राइक का और पूरे प्रदेश भर में से पीस मिल भाई जो है वो टूल डाउन स्ट्राइक पर बैठे हैं, लेकिन आज भी सरकार की ओर से कोई भी फैसला नहीं लिया गया। अभी तक कोई स्टेटमेंट हमारे तक नहीं पहुँची। जैसा कि अभी स्टेटमेंट आई जीसीसी वालों ने बोला है कि निगम का हर एक कर्मचारी जो है वो इनके साथ खड़ा होगा और ये बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और कुछ भाई हमारे जो है वो 8-10 सालों से भी मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं, एज होगी उनकी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी भी सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है। देखते हैं जैसे स्टेट बोर्ड से ऑर्डर आएंगे हम यहाँ पे धरने बैठे रहेंगे और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम लोग धरना जारी रखेंगे।